इस पूरे जर्नी के अंदर होता ये था कि मेरे पर टॉपिक लिखे पड़े, ये लिस्ट पड़ी हुई है, लोग आपकी जो वीडियोस देख रहा है और जो बंदा, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपके चैनल की हेल्दी डाइट विद ताबिश, ठीक है जी। तो इसलिए आप अपनी हर वीडियो को ये, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन ताशिफा यूट्यूब चैनल। जिनको नहीं पता उनके लिए बड़ा क्विकली, मैं कुछ पिछले कुछ 12-13 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ और मैंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर स्वीडन में लाइफस्टाइल के बारे में और स्वीडन की बारे में प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियोज बनाकर पोस्ट किए हैं अपने चैनल के ऊपर। जैसे स्वीडन में प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाए, पढ़ाई के लिए कैसे आया जाए, पीआर कैसे लगती है, सिटीजनशिप और बहुत सारे यूजफुल टॉपिक मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किए हैं, जाकर देखिए। अगर आपको उनको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक है जी, इस सीरीज का हिस्सा है जो मैंने यूट्यूब के ऊपर पिछले 1-1.5 साल के अंदर मेरी पर्सनल लर्निंग हुई है उसके ऊपर मैंने वीडियोज बनानी शुरू की हैं और मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे टॉपिक्स पोस्ट कर दिए हैं छोटी छोटी वीडियोज के फॉर्मेट में, ताकि अगर आप अपना चैनल शुरू कर रहे हैं या आपने अपना चैनल बनाया हुआ है तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वीडियोज पोस्ट किए हैं कि आपने कॉन्टेंट कौन सा पोस्ट करना है, उसके लिए कैसे डिसीजन लें, आपने कैसी किस टाइप की वीडियोस बनानी है, आपने अपनी हर वीडियो को कैसे एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करना है टू मार्केट योर अदर वीडियोस एंड टू मार्केट योर सेल्फ। उसी तरह फिर आपने अपनी वीडियोस का स्ट्रक्चर कैसे करना है, याद कीजिए मैंने बताया था प्रॉब्लम सोल्यूशन और उसका उस सोल्यूशन तक कैसे पहुंचना, और उसके बाद आपने अपने चैनल को ब्रांड कैसे करना है, लाइक व्हाट शुड बी द नेम, व्हाट शुड आपने कैसे। तो जाके वीडियोस देखें, बड़ी छोटी छोटी वीडियोस हैं लेकिन होपफुली आपको उससे फायदा होगा। और अगर आपके पास कोई अच्छी टिप्स हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं इस फेज से बहुत दफ़ा गुजरा हूँ और मुझे ये लगता है कि जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं वो इस फेज से बहुत दफ़ा गुजरते हैं। तो उस लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है और वो हिस्सा क्या है कि यू गो डाउन इन योर एनर्जी। आपको कुछ एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आपके पास टॉपिक ही कोई नहीं रहेगी, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं, मुझे टॉपिक तो पता है लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ वीडियो, आपको लगता है कि मैं शायद अच्छा नहीं कर पा रहा। अच्छा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी बिजनेस भी हो सकती है, क्योंकि आप फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है अभी, क्योंकि आप अभी नए हैं तो आपको लगता है कि यार मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, मुझे एडिटिंग पे कितना टाइम लगता है, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ और उसके बाद सिर्फ इतने थोड़े से व्यूज आते हैं और इतने थोड़े से व्यूज के बाद मैं कितना अर्न करता हूँ। अच्छा देखिए, आप अभी अर्निंग के पीछे, अर्निंग को अपनी ड्राइविंग फोर्स ना रखें। मैंने पहले भी बताया था कि अर्निंग शुड नॉट बी योर ड्राइविंग फोर्स। ओके, इससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और जो कमा रहे हैं उनकी फुल टाइम अर्निंग है यूट्यूब, और फुल टाइम अर्निंग ही सिर्फ नहीं है, यूट्यूब एक उनका ऐसा चैनल बन गया हुआ है जिससे वो पूरी दुनिया को कनेक्ट करते हैं अपनी नीश के अंदर, और फिर वो प्रोडक्ट, फिर वो देयर आर और बहुत सारे अर्निंग स्टाइल्स हैं उसके अंदर, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैंने बताना यह है कि शुरू में आप अगर यूट्यूब चैनल नया बनाया है या बना रहे हैं या सोच रहे हैं तो अर्निंग मनी, पैसे बनाना आपका मेन मोटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिलीव मी ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो करेगा और इसको टाइम लगेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसी वीडियोस बना रहे हैं। कुछ लोग 1 साल के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ लोगों को 10 साल लगते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठे करते हुए, डिपेंडिंग ऑन आपकी वीडियोस के टॉपिक क्या है। इसलिए वो वीडियो जाके देखें जिसमें मैंने बताया कि कैसे आपने वीडियो के टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है, आपने जो कि आपके चैनल की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मैंने देखा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं प्रीमियम प्रो पे बैठ के यूट्यूब के को एडिट करता हूँ, फिर बाद में मैंने आईपैड के ऊपर एडिट करना शुरू किया। मैं आपको अपना एग्जैक्ट वर्क फ्लो भी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है और आपके पैसे भी बचा सकता है। लेकिन मुझे इस पूरे जर्नी के अंदर होता यह था कि मेरे पर टॉपिक लिखे पड़े हैं, ये लिस्ट पड़ी हुई है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई वीडियो बनाए, लेकिन मेरी एनर्जी चली गई कहीं पर। और वो क्यों चली गई, उसके बहुत सारे वजह हैं। एक तो आपके पास ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, एक आपके पास घर में बच्चों के साथ आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं सारा कुछ। तो मेरी ये सजेशन है, अगर आप रियली अच्छा यूट्यूब चैनल खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहली बात अपने ऊपर प्रेशर ना बिल्डअप करें कि यार मैंने वीडियो पोस्ट करनी। नहीं, इन दी स्टार्ट के अंदर कीप इट लूज, ठीक है जी। आपका ये मुझे पता है कि ये एक अच्छी रूटीन है कि आप हर मंडे को एक वीडियो पोस्ट करें, आप डेली एक वीडियो पोस्ट करें, आप हफ्ते में 3 दफा एक वीडियो पोस्ट करें, लेकिन शुरू में नहीं, क्योंकि शुरू में ये चीज़ आपको फिर इतना थका देगी कि आप बिल्कुल अपनी एनर्जी खत्म करके
बैठ जाएंगे और आप कहेंगे नहीं यार मैं तो पैसे भी नहीं कमा रहा इससे इतने ज्यादा, और मेरे पास व्यूज भी नहीं आ रहे, और मेरे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सब्सक्राइबर कैसे लेके आने, लेकिन बात यह है आपने सब्सक्राइबर कभी भी बाय नहीं करने, व्यूज बाय नहीं करने एज अ न्यू यूट्यूबर और किसी भी पुराने यूट्यूबर भी। प्लीज डोंट गेट इन टू दैट ट्रैप। अपने सब्सक्राइबर भी कभी नहीं बाय करने और व्यूज भी कभी भी नहीं बाय करने, उसकी मैं वजह आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो के अंदर। लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अपने लिए पहली मोटिवेशन आपकी पैसा कमाना नहीं होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब का चैनल शुरू कर रहे हैं, आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपका पैशन क्या है, आप क्यों यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके लिए मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है, वो जाकर देखें। दूसरी बात ये, जब आप लो हो जाए एनर्जी में, जब आपको लगे कि यार मेरे पास टॉपिक्स भी हैं, मैं वीडियोज भी बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, दिस इज जस्ट हैपन टू मी, लाइक मेरा इवन चैनल ग्रो भी कर रहा है लेकिन मैं आना चाहता था ऑनलाइन, मैं लाइव बहुत आता हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है, लेकिन मैं नहीं आ रहा था। वाई? बिकॉज आई थिंक आई नीडेड अ ब्रेक। मैं जॉब कर रहा हूँ ठीक है पूरा साल, ठीक है उसके बाद 1 महीना की छुट्टियां आई हैं मेरे पास, उसमें मैंने अपने आप को पुश नहीं किया बहुत ज्यादा कि नहीं यार। हालांकि छुट्टियां शुरू होने से पहले मेरा मूड ये था कि मैं ये वीडियो ये वीडियो ये वीडियो। तो मैं ये आपसे एज अ न्यू यूट्यूबर आपको सजेस्ट ये करना चाहता हूँ कि टेक इट ईजी, टेक योर सेल्फ टाइम, खुद भी टाइम लें, लेकिन जो भी पोस्ट करें उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, उसके अंदर इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके व्यूज के लिए वैल्यू क्रिएट करे। लें यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का टेक अवे होम लेसन ये था कि अगर आप इफ़ यू डोंट फील लाइक पोस्टिंग अ वीडियो, थोड़ा सा रेस्ट करें, गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर सेल्फ टाइम टू थिंक अबाउट, और उसके बाद पोस्ट करें। और अगर आपको लगे कि आपके पास टॉपिक्स खत्म हो गए हैं तो उसके लिए मेरी आने वाली वीडियोस देखें, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अपने आप अपने चैनल को एक्साइटेड रखना है अपने सब्सक्राइबर और नए आने वाले लोगों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, कुछ नहीं मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह हाफिज़।